बाबा रामदेव कोरोनिल के बाद न्यूज में बने हुए हैं। एक तबके से उन्हें वाहवाही मिल रही है और दूसरा तबका उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहा है। हाल ही में समाज सेवी और भीखनपुरा निवासी तमन्ना हाशमी ने बिहार के मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में शिकायत पत्र दायर की है। शिकायत पत्र में उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय एवं शोध संस्थान के संयोजक स्वामी रामदेव तथा पतंजलि संस्था के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण पर आरोप लगाया है कि इन दोनों ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा कर देश को छला है। इससे लाखों लोगों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। इन सबके बीच आयुष मंत्रालय ने भी कोरोनोल पर प्रश्न उठाते हुए इस दवा के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी है। आपको बता दें कि तमन्ना हाशमी वाले मामले पर अदालत ने 30 जून की सुनवाई तारीख मुकर्रर की है। जकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।